पंकज जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो आज की ट्रेनिंग है एक्सेल टेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। बेसिकली हमने लास्ट जी क्लासेस में इस चीज को जाना है कि एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से कंडीशंस यूज कर सकते हैं, कंडीशंस के बिहाफ पे कोई रिजल्ट इनपुट एंड आउटपुट कर सकते हैं। इस चीजों के बारे में हमने कल सीखा है और आज हम आगे सीख रहे हैं इससे, जिसमें हम सिखाएंगे कि टैक्स के ऊपर किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो चलिए हम टैक्स फॉर्मूले पे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले टैक्स की दो सबसे बड़ी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है आपका कोड एंड कैर। कोड क्या होता है कि कोई करेक्टर का स्काई वैल्यू बताता है कि एक्सेल इसको अपने यहां किस तरीके से समझता है। बेसिकली एक चीज और थी कि आपको मैंने बताया था कि केस सेंसिटिव नहीं होता है एक्सेल। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, इफ के माध्यम से नॉर्मल माध्यम के, दोनों आपको बराबर दिखेंगे क्योंकि इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, नॉर्मल कैरेक्टर पे चलता है। जिस एप्लीकेशन में केस सेंसिटिव होता है वो कोड बाइनरी कोड पे चलता है, क्योंकि हर करेक्टर का, एक ही करेक्टर का, अगर करेक्टर वो बड़ा है तो उसका कोड कुछ और होगा, अगर छोटा है तो उसका कोड कुछ और। ठीक है, तो स्काई वैल्यू किसी भी हर करेक्टर का कोड दिखाता है। इससे पहले भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने बताया था कि अगर हम जब कोई हेडिंग सेलेक्ट करके ग्रेटर देन लगाते हैं तो हेडिंग भी टेक्स्ट भी हाईलाइट हो जाता था। इसलिए हाईलाइट होता था क्योंकि उसकी हर करेक्टर का एक कोड होता है जो कि नंबर में होता है। जी इसका यूज हम आगे के फॉर्मुलेज में करके बताऊंगा मैं कि किस तरीके से इसका यूज हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोड से कैरेक्टर निकालनी हो तो उसके लिए होता है CHR, कैर। कैर फॉर कैरेक्टर एंड कोड फॉर कोड। तो कोड एंड कैर दो फॉर्मूले हमारे पास हैं जिसकी मदद से हम स्काई वैल्यू को निकाल सकते हैं, हर स्काई वैल्यू को वापस कोड में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम चलिए इसमें और फॉर्मूले पे चलते हैं। हमारे पास दो और डेटा क्लियरेंसिंग के फॉर्मूले होता है। कभी कभी हम कोई नाम या कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो बाद में स्पेस वगैरह रह जाता है। इसमें स्पेस है, इस चीज को जानने के लिए आप लेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेन की फॉर्मूला क्या करता है, कंप्यूटर की लेंथ निकालता है कि कंप्यूटर की लेंथ कितनी है, इस कंप्यूटर की लेंथ कितनी है, सॉरी माफ कीजिएगा, इस सेल की लेंथ कितनी है, कंप्यूटर की लेंथ नहीं, जो सेल, जिस सेल में हम टाइप कर रहे हैं उस सेल की लेंथ कितनी है, इस चीज को दर्शाता है आपका लेन फॉर्मूला। तो यहां पे देखिएगा लेन हमारा 7 है, सुजीत, SUJEE, सुजीत 6 होना चाहिए बट 7 है। तो इस तरह की डेटा जब आपके पास आता है तो उसको क्लीन करने की, मतलब कि स्पेस हटाने के लिए कैसे यूज करोगे, तो आप बोलो सिंपल सा स्पेस रिमूव कर देंगे, कंट्रोल F एंड कंट्रोल H, कंट्रोल फाइंड एंड रिप्लेस के माध्यम से हम स्पेस रिमूव कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब आपके पास दो नेम होंगे जिसके बीच में एक ऑलरेडी स्पेस होगा। अगर यहां पे आप फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से स्पेस हटाते हैं तो ये बीच का स्पेस भी हट जाएगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रिम का। कभी कभी हम वी लुकअप लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा मैच कर रहा है, सेम डेटा है, फिर भी हमारा लुकअप डेटा नहीं कर रहा है। वो इसी वजह से करता है क्योंकि यहाँ पे एक फालतू में कोई स्पेस स्पेस या कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए। तो ट्रिम की मदद से उस चीज को हम हटा सकते हैं। हट गया किस, पता कैसे चलेगा, आप लेन से पता कर लीजिए किसी सेल का लेंथ क्या है और इस सेल का लेंथ क्या है, तो हट गया। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जी होती है जो कि हटती नहीं है, जैसे हमने सुजीत के साथ हम स्पेस की जगह ऑल्ट एंटर प्रेस कर दिया जो कि रैप का पार्ट होता है। अब यहां पे अगर मैं ट्रिम लगाता हूं तो आपको एक साथ दिखा तो रहा है बट इसमें एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। अगर आपके पास XP, विंडो XP होता और Office 2003 होता तो आप T और K के बीच में एक इस तरह का बॉक्स दिखते हैं और उस बॉक्स के अंदर में क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है जो कि वजूद में तो है लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। पता है कैसे चल रहा है कि वजूद में है,
तो उसके लिए आप इस पे लेन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और फिर काउंट कीजिए, आपको एक करेक्टर ज्यादा दिखाएगा। 6 और 5 11 ही होने चाहिए था, इसमें 12 है। तो ऐसे करेक्टर को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्लीन का फॉर्मूला। क्लीन क्या करता है, सुजीत और कुमार इसमें से उस करेक्टर को, जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होता है, उस करेक्टर को रिमूव कर दिया। क्लियर सर जी। अब इसमें एक चीज और आती है कि मैंने सुजीत और कुमार को जब किया ट्रिम किया तो उसमें से स्पेस हट गया, मुझे टी और के बीच में स्पेस करना था। मतलब कि जो हमारा नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है जो कि रैप की मदद से आया है, उसके जगह पे हम खुद के कुछ वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, हम खुद के कुछ नंबर डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे। सबसे पहले इस चीज को जानना पड़ेगा कि हमारे पास कोई ऐसा टूल्स है जिसकी मदद से हम किसी करेक्टर को रिमूव कर सके। जैसे कि यहां पे मैं कुछ लिजिट लिखा हूं और मैं चाहता हूं जितने भी डॉट्स हैं उन डॉट्स को डैश में रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास रिप्लेसिंग करने के लिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है। सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस दो फॉर्मूले। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि किसी टेक्स्ट में किसी एक पार्टिकुलर टेक्स्ट को किसी अनोदर टेक्स्ट से रिप्लेस करता है। हमने बोला कि E2 में जाओ, डॉट को डैश से रिप्लेस करो, डैश से रिप्लेस कर दिया। सब्स्टिट्यूट में एक और था जो कि ऑप्शनल था, कल की क्लास में बताया था कि जो बड़ी ब्रैकेट में होता है वो ऑप्शनल होता है, वो इनपुट्स हमारे ऑप्शनल होते हैं। तो इसको कैसे यूज करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा होता है इंस्टेंट नंबर, मतलब कि अगर यहां पे आपने कुछ नहीं दिया तो इसने ओवरऑल जितने भी नंबर्स थे सबको एक कर दिया है। लेकिन जब इसमें मैं नंबर डालूंगा तो इसका नंबर का पोजीशंस, मतलब कि पहली डॉट की पोजीशंस को डिलीट कर दो, रिप्लेस कर दो। अगर हम यहां पे चाहते हैं दूसरी पोजीशंस तो दूसरी पोजीशंस कर देगा, तीसरी चौथी है, तो सब्स्टिट्यूट की एज होता है। फिर सब्स्टिट्यूट के बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, चलिए इस चीज के बारे में हम जानते हैं कि रिप्लेस करता क्या है। रिप्लेस भी रिप्लेस ही करता है लेकिन सब्स्टिट्यूट से बिल्कुल अपोजिट होता है। सब्स्टिट्यूट क्या करता है कि एक पार्टिकुलर करेक्टर को फाइंड करके फिर उसको रिप्लेस कर देता है। लेकिन रिप्लेस क्या करता है कि किसी टेक्स्ट के अंदर पोजीशंस के हिसाब से, कल बोला था टाइम से आना, 22 मिनट लेट हो गए, बस कुछ मत करो, ऑन है। तो इसमें इस पार्टिकुलर पोजीशंस, जैसे कि E2 हुआ और स्टार्ट नंबर, मैंने बोला 1 2 3, 3 को रिप्लेस करना है, 3 के बाद कितने नंबर करेक्टर को करना है, तो एक नंबर करेक्टर को करना है और किससे करना है, तो डैश से। ये देखिए सब्स्टिट्यूट ने क्या किया कि पूरे के पूरे टेक्स्ट में जहां जहां डॉट थे उन्हें ढूंढ के अपने आप रिप्लेस कर दिया। लेकिन कभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मुझे कोई पहला करेक्टर या तीसरा करेक्टर या पांचवा करेक्टर को किसी और करेक्टर में रिप्लेस करने के लिए, तो उसके लिए यूज करते हैं हम रिप्लेस फॉर्म। इसमें क्या होता है, E2 के अंदर गया तीसरा नंबर करेक्टर, माफ कीजिएगा चौथा नंबर हो गया, चौथा नंबर करेक्टर से एक करेक्टर रिप्लेस कर दिया, मतलब कि 1 2 3 को छोड़ दिया, डॉट को पकड़ा और एक करेक्टर को डैश में रिप्लेस कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस दो फॉर्मूले समझ में आ गए, कोई डाउट इसमें? जी नहीं। ओके चलिए, अब इसमें आगे चलते हैं। आगे हमारा ये है कि ये
दो मतलब ये है कि दूसरा रिप्लेस करेगा। इसमें क्या है, कुछ नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे तो पूरा रिप्लेस कर देगा। अगर जो नंबर दोगे उतने नंबर की पोजीशन पे करेगा, मतलब कि दो दिया तो उसने देखा दूसरा डैश कहाँ है, तो दूसरा डैश को रिप्लेस। ठीक है, आया समझ में सर? जी अब यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब हमने क्लीन का फुआ लगाया तो इसने क्या किया कि जो रैप था उस रैप को क्लीन कर दिया, जो नॉन बिनरी डॉक्यूमेंट था उसको क्लीन कर दिया। लेकिन मुझे इसे क्लीन नहीं चाहिए, टी और के बीच में स्पेस ए चाहिए, स्पेस चाहिए। तो अब प्रॉब्लम था कि मुझे पता है कि जो ए जो टी और के बीच में जो स्पेस है वो आपका रैप है, जो कि आप ऑल्ट एंटर मार के लाते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाते हो तो आप ओल्ड टेक्स्ट में क्या डालोगे, तो ऑल्ट एंटर सीधे नीचे आ जा रहा है, गड़बड़ है, तो कैसे होगा? तो उसी के लिए हम यूज करेंगे अपना कोड एंड कैरी का फॉर्मूला। सबसे पहले हम किसी एक सेल में कर्सर रख के ऑल्ट एंटर प्रेस कर लेंगे, ऑल्ट एंटर। तो मुझे पता है कि इसमें जो टाइप की वैल्यू क्या है, ओ ऑल्ट एंटर है, जो कि टी और के बीच में। अब इसका मैं स्काई वैल्यू मतलब कि बाइनरी कोड निकाल लूंगा, 10 है। ठीक है, अगर मैं कैर फॉर्मूले के अंदर 10 रखूंगा तो सेम फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा, सेम चीज रिप्रेजेंट करेगा जो कि यहां पे था। क्योंकि जैसे यहां पे मैंने ए लिखा, ए का कोड 65 था, 65 को वापस मैं कैर में डाला तो वापस ए आ गया। उसी तरीके से टेक्स था, टेक्स का कोड 10 था और 10 को वापस कैर में डाला तो वापस सेम टेक्स्ट आ गया। अगर चाहो तो इसको बराबर करके देख सकते हो, ऐसा नहीं कि ब्लैंक है, इसके अंदर वैल्यू है, एक चीज है, उसको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि प्रिंट में नहीं आता है, मतलब दिखता नहीं हो, देख रहे हैं, है इसमें लेन इसकी एक दिख रही है, तो एक कैरेक्टरिस्ट है। इसीलिए यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में इसको सेलेक्ट करेंगे और ओल्ड टेक्स्ट में कर देंगे CHR10। ठीक है, और फिर इसको कर देंगे हम रिप्लेस स्पेस, तो आपको टी और के बीच में स्पेस आ गया। सर समझ में आ गया? जी सर, वो सुजीत और कुमार को नीचे स्पेस सर एक बार कर्सर ऊपर ले जाइए। जी जी ठीक है सर, ठीक ठीक है है ना, सुजीत और के बीच में इसने जी, कुमार। स्पेस आ गई। क्या CHR कोड है, कोड मेरे मैसेजेस क्यों नहीं जा रहे? नहीं, और भी जब्बो जगह होता है, CHR बेसिकली कोड निकाल के देता है, कोड का करेक्टर रहता है कोड। हाँ, मैंने एग्जाम्पल बताया कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो, मैंने एक यूज बता दिया आपको, उसके अलावा आप उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हो गया देखो, देखो ना एक पेपर, देखो ना ओरिजिनल नहीं, वो स्टैम्प का पेपर है ना, एक स्टैम्प का पेपर भी रखा होता है ना उधर। अब आगे बढ़ते इससे, अब इसमें आगे का फॉर्मूला हमारे पास चलते हैं। अब आगे के फॉर्मूले में आता है हमारा टेक्स्ट के अंदर
कॉन्कैटेनेट, दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए हमने लिखा है सुजीत एंड फिर लिखा है कुमार, और सुजीत और कुमार को मुझे आपस में जोड़ने हैं तो क्या करेंगे? जुड़ा हुआ है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है जी सर। सुजीत एंड कुमार, इनको आपस में जोड़ना हो तो आप क्या कर सकते हो? एक कॉन्कैटेनेट का फॉर्मूला लगा दो, इससे जुड़ जाएगा। अगर आपको स्पेस चाहिए तो कॉमा के बाद यहीं पे आप इनवर्टर कॉमा में स्पेस डाल दोगे, क्योंकि इनवर्टर कॉमा क्या हमारा करैक्टर है, इसलिए करैक्टर। हाँ राजन जी, हाँ जी, जैसे कि मैंने लिखा 1 जनवरी 2014 से आज की डेट डाल देता हूं, जो आज करेंट डेट। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, बीच में 2 लगाना है। हेलो, हाँ है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो डेट है, आपको पहले भी कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने समझाया था कि जो डेट होता है हमारा और डेट का जो ये है मतलब कि नंबर है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, वो ये होती है। तो जब भी ये डेट काम करता है वो इस पे ही काम करता है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक टेक्स्ट का फॉर्मूला है, टेक्स्ट फॉर्मूला। टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी डेट को अपने हिसाब से या किसी भी नंबर को अपने हिसाब की फॉर्मेटिंग में ला सकते हो, क्योंकि कस्टम फॉर्मेटिंग में चीजों की सीखी थी। आ गया? तो इसी तरीके से हम इन डेट को कंबाइन करने के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला, टीई टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा यहां पे डालेंगे, डी 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 सॉरी एम 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 स्लैश वाई वाई वाई, आया? अब इसी में करेंगे एन, वापस एन, वापस करेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला और इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर सेम कोडिंग दे देंगे, डी डी स्लैश एम 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 स्लैश एन वाई वाई। डैश की जगह हमें 2 करना था ना, स्पेस पहले भी दे दो। तो टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए इसी की जरूरत पड़ती है। अब टेक्स्ट के बाद हमारे पास और क्या है, डॉलर। फाइंड एंड डॉलर दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि हमने कोई अमाउंट लिखा तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रिंट होने से पहले कोई इस पे परसेंटेज अप्लाई कर सकता है, सॉरी परसेंटेज, या फिर कोई डेट अप्लाई कर दे इस पे, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो बिल वगैरह जब हम प्रिंट करते थे तो बिल वगैरह प्रिंट करने से पहले हम जो नंबर होता था उसको डॉलर, अगर डॉलर में रखना है तो डॉलर रख देते थे, अगर हमें सिर्फ नंबर में चाहिए तो होता था फिक्स। तो फिक्स में क्या होता था, किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होता था, नंबर फॉर्मेटिंग, किसी भी तरह की नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती, तो बिल हमारा सिक्योर हो जाता। नहीं, फॉर्मेट तो फिक्स हो गया, कोई चेंज भी तो कर सकता है बाद में, बाद में चेंज कर लेगा ना वो। ठीक है सर, जी सर, कोई डाउट इसमें? जी नहीं सर। ओके, चलिए आगे बढ़। अब इसमें आगे आता है हमारा
एग्जैक्ट, जैसे कि थोड़ा देर पहले बताया कि एक्सेल होता है केस सेंसिटिव नहीं होता, जैसे कि मैंने यहां पे राम लिखा और वो यहां पे वापस राम लिखा, ये दोनों राम आपस में बराबर नहीं है। नॉर्मल बराबर करोगे तो बराबर दिखाएगा, लेकिन चाहते हैं एग्जैक्ट मैच करे, मतलब केस सेंसिटिव भी आप मैच करना चाहते हो, तो केस सेंसिटिव अगर मैच करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और एग्जैक्ट फॉर्मूले के अंदर में इस दोनों को डाल सकते हो। अगर एग्जैक्ट में अगर एग्जैक्ट होगा तभी दिखाएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा तो फॉल्स दिखाएगा। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट के लिए। अब बारी आती है दो नंबर्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने की, जैसे कि मैंने कॉनकैटेनेट सिखाया, मैंने आपको कॉनकैटेनेट के माध्यम से मैंने हाँ, कुछ भी एग्जैक्ट होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट सही होगा बना नहीं है। तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सुजीत कुमार लिखा, पिछली सारे फॉर्मूले समझ में आ गया ना, कोई डाउट सर? जी नहीं सर। ओके, तो मैंने एक नाम लिखा और इस नाम का मैं थोड़ा सा अलग अलग करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इसका लेफ्ट लगा निकालना चाहता हूँ, मिड निकालना चाहता हूँ और राइट निकालना चाहता हूँ। तो नॉर्मल कैसे करेंगे इस चीज को समझा, तो फिर मैं ऑटोमेटिकली सिखाऊंगा आपको। तो नॉर्मल ये है कि मुझे लेफ्ट से चाहिए तो मैं यहां से लेफ्ट फॉर्म लगाऊंगा लेफ्ट, और कितने डिजिट चाहिए तो 5 डिजिट, तो मैं यहां पे कॉमा 5 लिखूंगा, 5 में 6 है ना, 6 डिजिट। मुझे मिड से चाहिए तो यहां पे मैं फॉर्म लगाऊंगा मिड का, MID मिड, और इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से कितने का लगा दूंगा, स्टार्ट। अब मिड में दो चीज है कि मिड स्टार्ट से कहां से हो रहा है, आपको बताना होगा ना कि बीच स्टार्ट आखिर स्टार्ट हो कहां रहा से। तो उसके लिए हम बताएंगे कि 6 तक तो फर्स्ट टाइम है, 7वां स्पेस है, 8वें से स्टार्ट हो रहा है, और फिर मिड है कितना, मिड से कितना कैलकुलेट, चलो 8वें से मैं कितना डिजिट उठाऊं, तो मैं बोला कि 5 डिजिट उठा, 1 2 3 4 5, इसे बता दिया कुमार, ठीक है सर जी। तो इसने 5 डिजिट जो है इसने लार्ज से उठा लिया। अब इसमें आगे चलते हैं, अब इसमें राइट की बारी आती है, राइट के लिए हम लगाते हैं राइट का फॉर्मूला। हाँ अच्छा, और यहां से बोला कि 5 ले लो, और बेसिकली स्ट्रिंग में एच छूट गया, मैं पहला बंदा होगा जो अपना नाम ही गलत लिख रहा होगा। ठीक, तो सुजीत कुमार से, बट इसमें इसमें थर्ड में प्रॉब्लम कहां पे होगी, जैसे कि मैंने अपनी मेल आईडी लिखी कुमार, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे है कि बहुत सारे मेल आईडी है, जैसे मेरी मेल आईडी IPTIndia.com। अब मैं चाहता हूं कि मेरी आईडी जो है और मेरा साइट जो है अलग अलग हो जाए, ऐसे बहुत सारे आईडी जैसे मेरा अनदर मेरा है सुजीत कुमार .IPT@gmail.com, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। अब मुझे इनको अब एक ही फॉर्मूला यहां पर लगा के नीचे ड्रैग करना चाहता हूं ताकि दोनों अलग अलग। तो इसके लिए अगर मैं नॉर्मल लेफ्ट लगाऊं यहाँ पे, अगर मैं कर दूं यहाँ पे ऊपर वाला मेथड अपना दूं कि मैं यहाँ पे लेफ्ट लगा देता हूँ और लेफ्ट में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 5, तो क्या होगा, कुमार आ गया, लेकिन जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने मैनुअली लगाया है कि ऊपर वाला फॉर्मूले के हिसाब से ही पूरा चलेगा। ठीक है सर जी, डाउट सर? जी नहीं सर। सर मुझे पंकज बोला कीजिए सर, सर मत बोलिए सर, अजीब लगता है। ओके ठीक, तो पंकज जी हमने इस चीज को देखा,
अब बात करते हैं कि कैसे होगा पॉसिबल। जी तो हम चाहते हैं कि हम मैनुअल 5, इसमें दिक्कत क्या है? 5 की तो दिक्कत है, और 5 को अगर हम हटा दें तो जी बाकी सब सेम चाहिए, तो 5 को ऑटोमेट कैसे करेंगे? तो 5 के लिए हम यूज करेंगे फाइंड। मतलब किसी भी करेक्टर को फाइंड क्या करता है? फाइंड करता है, और फाइंड करने के बाद बताता है कि वो करेक्टर कितने नंबर डिजिट पे है। इसने बताया कि @6 नंबर डिजिट पे है। और फाइन फॉर्मूला डालने का जरूरत क्या है? जैसे फाइन फॉर्मूला डालने का है कि फाइन @ का ए लगाइए, फिर A7, जहां पे जिस 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 करेक्टर को फाइन करना है वो लिखिए, जिसमें फाइन करना है वो लिखिए, ए होता है स्टार्टिंग जी पोजिशन। आपका स्टार्टिंग कहाँ से? तो मैंने बोला स्टार्टिंग जी मेरा 1 से, मतलब कि आपको फाइन ढूंढने कहाँ से, 1 से कैसे ढूंढेगा या फिर आई से ढूंढेगा, जो भी आप लिखना चाहते हो, तो उतना करेक्टर आप लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसने बता दिया 6। तो इसने जो जी बताया 6, वो बताया @ तक की लोकेशन, जो @ है वहां तक की दूरी इसने बताया। तो यहां पे क्या करेंगे कि हम 6 -1 कर देंगे, तो कुमार आ जाएगा। इस फाइंड को कॉपी करते हैं जी और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ऑटोमेट हो गया। कोई डाउट सर? पंकज जी को डाउट? जी नहीं, तो इससे क्या हुआ, ऑटोमेट हो गया। अब लेफ्ट बारी करते हैं। लेफ्ट में प्रॉब्लम क्या है कि मैं लेफ्ट से कितना लूं, तो मैं यहां पे, तुम भी है लेफ्ट, लेफ्ट नहीं होगा, राइट होगा, राइट राइट। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया कॉमा, और बोला इसमें कि लेट, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है इस लेंथ में से माइनस करो @ तक की पोजीशन। इसकी कंप्लीट लेंथ आएगा जो कि K से M तक का होगा, और इसमें से माइनस क्या हुआ, K से @ तक की, बचा क्या, I से M। IP.com हो गया। अब यहां पे जो फाइंड की पोजीशंस है, इस फाइंड की पोजीशन को मैं कॉपी करता हूं और इस पे B8 पे पेस्ट कर। हर किसी के लिए हो गया। तो इस तरह से हम इसको ऑटोमेट कर लिया। ठीक है, जी कोई डाउट सर? पंकज जी को डाउट? जी नहीं, ओके, अब आगे नेक्स्ट बढ़े। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा आता है फाइंड, जैसे हमने फाइंड किया वैसे हमारे पास रिप्लेस भी होता है, सॉरी सर्च, सर्च सर्च भी सेम तरीके से काम करता है, वो भी किसी करेक्टर को फाइंड ही करता है। बट सर्च और फाइंड में कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस हमारा ये है कि सर्च जो है हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, और फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता है। ध्यान रखिए, मतलब कि आपने मान लो कि रवि फाइंड किया किसी सेल के अंदर, आपने रवि बड़ा में है, आपने छोटा फाइंड कर दिया, तो फाइंड जो है नहीं बताएगा, लेकिन सर्च बता देगा। केस सेंसिटिव का फर्क होता है। फाइंड के बाद आगे चलते हैं, और क्या क्या फॉर्मूला है टेक्स्ट में हमारे पास? टेक्स्ट हो गया, लेन हो गया, लेफ्ट। हाँ, केस चेंज करने का कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि लोअर, लोअर से सॉरी, अगर कोई वैल्यू अपर में लिखी हुई है, लोअर में लिखी हुई है, तो उसको अपर में कन्वर्ट कर सकते हो अपर की फॉर्मूले से, अपर को लोअर में। हाँ, और प्रॉपर क्या होगा, पहली लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा कर देगा। तीन फॉर्मूले होते हैं केस चेंज के, अपर लोअर प्रॉपर एंड प्रॉपर, अपर लोअर एंड प्रॉपर। ठीक है, फिर आता है एक फॉर्मूला हमारा रेप्ट। रेप्ट क्या करता है, रिपीट। कि हमने ए लिखा और रेप्ट के अंदर में हमने इस ए को डाला और बोला 5 टाइम, तो 5 टाइम रिपीट कर देगा रेप्ट। थोड़ा अच्छी तरह समझ लीजिए,
सिंपल है लेकिन इस पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, जी ठीक है। राइट हो गया, सर्च हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, टी टी एन वैल्यू, दो फॉर्मूला बचा हुआ है। टी वैल्यू, टी फॉर्मूला क्या करता है, टी एक टी होता है एक एन होता है, टी फॉर टेक्स्ट एन फॉर नंबर। अगर किसी इस तरह से नंबर और टेक्स्ट दोनों लिखा हुआ है तो टी क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करेगा, नंबर को डिस्प्ले नहीं करेगा। नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। किसी भी वर्ड के साथ कोई नंबर के साथ कोई वर्ड लगा तो टेक्स्ट ही कहलाता है, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास एन का फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला क्या करता है कि सिर्फ नंबर को डिस्प्ले करता है और टेक्स्ट को जीरो करता है। दूसरा आता है वैल्यू फॉर्मूला। जैसे कि हमने सिंगल कोट लगा के कोई नंबर लिख दिया है, ये नंबर क्या है, टेक्स्ट में है। एक तो आप यहां से कन्वर्ट टू नंबर कर सकते हो तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर दिया फिर नंबर में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए होता है हमारे पास वैल्यू, जो कि टेक्स्ट फॉर्मूले को, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है। अगर कोई नंबर टेक्स्ट की फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसको नंबर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ, वैल्यू, टेक्स्ट के अंदर वैल्यू होता है, वैल्यू का यूज करते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब जी नहीं, आज का होमवर्क आप लोगों का है कि मैंने अभी अभी आपको रैप फॉर्मूला बताया, मुझे रैप्ट फॉर्मूला के 10 एग्जाम्पल दीजिए, 10 जगह इसको यूज करके बताइए, 5 ऐसी जगह यूज होना चाहिए जिसका एक मीनिंगफुल हो, कम से कम कोई मीनिंग हो उसका यूज करने का। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे ए को 5 टाइम रिपीट किया, इसका क्या मीनिंग है, कोई मीनिंग है नहीं है। लेकिन आपको मीनिंगफुल कम से कम 5 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल ओवरऑल चाहिए, कम से कम 5 एग्जाम्पल चाहिए जिसमें आप रैप्ट का एक मीनिंगफुल एग्जाम्पल दोगे, मीनिंगफुल यूज करोगे, इसका एक मीनिंग है। ठीक है, फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं अगर होता तो किस तरीके से यूज करता रहे। तो टेक्स्ट फॉर्मूला आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है।